Hello friends, so let us continue with the capital budgeting. Now in the capital budgeting, what we started in the last lecture, we started with the techniques of capital budgeting. ठीक है जी, तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? We were talking about techniques of capital budgeting. So if we talk about the techniques of capital budgeting, we divided the techniques into two parts, traditional techniques or the non-time adjusted techniques, और दूसरी क्या थी? Discounted cash flows or the time adjusted techniques. ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट टेक्निक कौन सी स्टार्ट की थी? हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है जी, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी जिसे बोल देते हैं, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ARR. क्लियर? तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम लोगों के पास क्या था कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि हम लोग कैश फ्लोज की बात नहीं करते, हम किसको कंसिडर करते हैं? नेट प्रॉफिट्स को. ठीक है, तो हम लोग यहां क्या देखते हैं कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में हमें नेट प्रॉफिट्स कितनी है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, हमें अर्निंग्स कितनी है, हम वो कंसिडर करने की कोशिश करते हैं. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट्स और द अर्निंग्स. और ये जो नेट प्रॉफिट या अर्निंग्स लेने हैं, ये मुझे कब लेने हैं? आफ्टर टैक्स लेने हैं. ठीक है, और दूसरा किस चीज के बीच में? इन्वेस्टमेंट के बीच में मुझे रिलेशनशिप डेवलप करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिया था? एनुअल एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के क्या लिया था हमने? एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? अब इसमें एक चीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे समझाया था कि सपोज 17 है, 18 है, इसमें मेरे पास ओपनिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपए की है और जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है 80 रुपीज की है. अब ये जो 20 रुपीज का डिफरेंस है, ये 20 रुपीज क्या है? कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी लॉन्ग टर्म एसेट में, वो मैंने यूज की है. अगर एसेट को यूज करोगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगी. तो ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए मेरी डेप्रिसिएशन है. ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना कि जब भी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है तो बीच में उनका जो डिफरेंस है दैट इज योर डेप्रिसिएशन. अगर आपको क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट नहीं दी, आपको ओपनिंग इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन दी है, तो आप क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो. राइट, सो डिफरेंस इज द यूज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, द यूज ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट. एंड अगर यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम क्यों होगी? डेप्रिसिएशन के कारण ही उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी. क्लियर? ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन का एक मेजर रोल है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. अभी डेप्रिसिएशन के, सर इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन का रोल बहुत बड़ा है. अभी जब हम इसके बाद कैश फ्लोज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर डेप्रिसिएशन के ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के ऊपर. और अगर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप समझ लो कि आप कैपिटल बजटिंग में गलती करोगे ही करोगे. ठीक है, और अगर वो समझ में आ गया तो समझ लो कि एक काफी एक मेजर पार्ट समझ में आया आपको. राइट, सो डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन बिटवीन द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट एंड द क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट. और ये जो 80 रुपीज है वो अगले साल की ओपनिंग बन जाएंगे. ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया था कि इसमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको ओपनिंग में भी ऐड करना है और उसको क्लोजिंग में भी ऐड करना है. ठीक है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे हमारे पास. तो ARR क्या था हमारे पास? अगर ARR की बात करें तो ARR क्या था? एनुअल एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, कि जितना पैसा लगाया था उसके बदले में हमें अर्निंग्स कितनी हुई है, उसका रेट निकालना है कि किस रेट पे हमें अर्निंग्स हुई है. 10%, 20%, 50%, 60%, किस रेट पे हमें अर्निंग्स
हुई है। क्लियर? ठीक है जी। और इसमें डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजन कैसे लेने हैं कि अगर हमारा हम एक जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक सोच बना के चलते हैं। मैंने आज 5 करोड़ रुपए एक मशीनरी पे लगाया तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि मुझे कम से कम वो 10% की रिटर्न तो देकर जाए ना, तब तो फ़ायदा लगाने का पैसा। ठीक है, अगर मैंने 5 करोड़ लगाया तो मुझे 10% तो कम से कम देकर जाए वो मशीनरी फ़ायदा। तो अब अगर उसका ARR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, तब तो हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा क्या होगा, डिसीजन बिटवीन द वेरियस प्रोजेक्ट्स होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर ARR ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर तो हम लोग करेंगे उससे एक्सेप्ट। ठीक है, और अगर वाइस वर्सा है तो क्या कर देंगे, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? ठीक है जी। चलो अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग करेंगे इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज 80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज 40,000, यूजफुल लाइफ इज 4 years, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड 10,000, एनुअल अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस 65,000, टैक्स रेट इज 30%, कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द रिटन डाउन वैल्यू मेथड द WDV रेट इज 20%। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेप्रिसिएशन का सर बहुत बड़ा रोल आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड पे है तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें कैसे निकालनी है। चलो जी, फर्स्ट अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन आपकी बड़ी सिंपल निकलेगी। अब डेप्रिसिएशन क्या होगी, हर साल की डेप्रिसिएशन आपकी सेम होगी। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, वैल्यू क्या है मशीनरी की 80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्या ये इंस्टॉलेशन चार्जेस इस मशीनरी का पार्ट बनेंगे? सर बिल्कुल बनेंगे। क्यों? एनी चार्जेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द मशीनरी इनटू वर्किंग, राइट, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, एनी चार्जेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द मशीनरी इनटू द वर्किंग कंडीशन, ऑल दोज चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। कोई भी ऐसे चार्जेस जो हम इनकर करते हैं मशीनरी को वर्किंग में लाने के लिए, मतलब मशीनरी जब तक स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले के जितने चार्जेस हैं, ऑल दोज चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होंगे, मशीनरी की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या होगी, 1,00,000, और उसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है, 40,000, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू, और उसकी लाइफ कितनी है, 4 years। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, दिस कम्स टू ₹15,000। तो हर साल की आपकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 15,000 की। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, 4 साल चलना है, Year 1, Year 2, Year 3 and Year 4। तो आपको क्या दिए हैं, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ईयर वन की आपको अर्निंग दी गई है, सर ईयर वन की अर्निंग्स क्या दी गई है आपको, 65,000 की। ठीक है, 65,000, तो इसमें से अब मैं क्या कम करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, हर साल की डेप्रिसिएशन रहेगी सेम, तो ये मेरे पास क्या आई, अर्निंग्स बिफोर टैक्स क्या आया, 50,000, और टैक्स रेट क्या है, माइनस टैक्स कितना है, 30%। ठीक है जी, 15,000,
तो ये मेरे पास क्या आया 35,000, राइट। तो हर साल मेरा यही ट्रेंड चलता रहेगा, हर साल मेरे पास 35,000 ही आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है जी। हर साल की मेरी अर्निंग सेम है, क्लियर, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे आएगी, सेम 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 सब कुछ 35,000 पे सेम चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला अभी, एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनुअल एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो मेरे पास क्या आएंगी, एनुअल एनुअल एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो वो कैसे आएंगी, जितने साल उतने साल का टोटल 35,000 + 35,000 + 35,000 + 35,000 डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, 4 इयर्स, ठीक है। लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लो, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कह लो, जो मर्जी कह लो। सो दिस कम्स टू ₹35,000, क्लियर है, ठीक है जी। चलो अब मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने क्या कहा था, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। हर साल के हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80,000 प्लस 20,000 की, ये तो मेरी है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी सर, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट तो दी नहीं गई हमें। मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया कि आप ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हो, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन विल बी योर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। आएगा या नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे पास, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, जितनी डेप्रिसिएशन के बाद आपको वैल्यू बचती है, बेसिकली स्क्रैप वैल्यू ही बचेगी एंड में। तो हम पूरे पीरियड का ले रहे हैं सर, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, हम पूरे पीरियड की, क्यों पूरे पीरियड की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी सालों में मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो सेम है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर WDV होगा तो मैं हर साल की अलग अलग इन्वेस्टमेंट निकालूंगा। यहां पर मैंने पूरा एक इकट्ठा क्यों ले लिया, चार साल की एक साथ क्यों ले लिया, चार साल की स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट क्या है, चार साल के एंड में कितना पैसा बचेगा, 40,000 की स्क्रैप वैल्यू बचेगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है सर, बिल्कुल ठीक है, क्या गलती क्या इसमें सर, बिल्कुल सही तो है, ये गलत है। अब आप लोग बताओगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आप लोग बताओ मुझे क्यों गलत है। मैंने कहा ये गलत है, ठीक है, अब आप लोग बताओ क्यों गलत है। सर गलत हुआ है ये वर्किंग कैपिटल के कारण, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब भी ओपनिंग लेना है या क्लोजिंग लेना है तो आपको क्या लेना है साथ में, वर्किंग कैपिटल साथ में लेनी है, ठीक है। तो इसको अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालना है, 80,000 प्लस 20,000 तो इनिशियल है, प्लस वर्किंग कैपिटल 10,000 की, ठीक है जी, प्लस क्लोजिंग कैसे आएगी, 40,000 प्लस वर्किंग कैपिटल 10,000 की। अब इसको करो डिवाइडेड बाय 2, अब ये बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है, ये आएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स टू 80,000। चाहे आप इसको हर साल की इन्वेस्टमेंट निकाल के फिर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, तब भी आपका आंसर ये आएगा। लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारी हर साल की सेम है तो हमने क्या किया, हमने सीधा ओपनिंग ले लिया चार साल के, मतलब पहले साल का ओपनिंग ले लिया और लास्ट ईयर का क्लोजिंग ले लिया, उसकी एवरेज निकाल ली हमने, तो चार साल की एवरेज सीधा सीधा आएगी हमारे पास, ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला बेसिकली।
ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, आपके फॉर्मूले को। क्लियर? अब आ गई दोनों चीज़ें, आ गई 35,000 भी आ गया, 80,000 भी आ गया। अब ARR निकाल दो इसकी। ARR क्या आएगी, कितनी अर्निंग हुई, 35,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, तो ये कम आएगी आपकी अराउंड 43.75%। क्लियर? सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आपने कैलकुलेट करना है ARR, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो सबसे पहले, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी आपकी, ठीक, हर साल में वैल्यू सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, ठीक है। चलो चलें आगे। अब क्या आ गया जी, अब आ गया मेरे पास दूसरा मेथड, दैट इज WDV मेथड। अब WDV मेथड में भी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो ईयर 1, 2, 3 and 4, ईयर 1 के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 का, कैसे, 80,000 प्लस 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस डेप्रिसिएशन 20%, तो ये क्या आई 20,000। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा, 80,000 का। अब WDV मेथड में क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन होगी 16,000 की, ठीक है, तो क्लोजिंग क्या बचेगा 64,000। ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा 64,000। अब इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन होगी 12,800, तो क्लोजिंग क्या बचेगा मेरे पास 51,200, और ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा 51,200। इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन 10,240, और क्लोजिंग मेरे पास क्या आएगा 40,960। क्लियर? तो सर ये तो आपने इन्वेस्टमेंट ही तो ले ली, मैंने सिर्फ यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। अब एक पॉइंट यहां पर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, साथ के साथ एक क्वेरी आ जाना चाहिए, सर यहां पर वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं ली आपने, यहां पर 1,00,000 क्यों लिया, यहां पर वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं लिया आपने साथ में, मुझे बताओ, वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन होती है? वर्किंग कैपिटल क्या है, कैश है, क्या कैश के ऊपर कोई आपकी होती है डेप्रिसिएशन होती है? सर मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि कैश के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होती है, सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर। मैंने यहां पर क्या कैलकुलेट किया, हेडिंग क्या दी है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कैलकुलेट की सर, मैंने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। अभी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगा, जब इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है मुझे, उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल लेनी है। यहां पर वर्किंग कैपिटल की गलती मत कर देना, डेप्रिसिएशन सारी के सारी गलत हो जाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आगे पढ़ेगा भी नहीं क्वेश्चन, आंसर आपने क्या लिखा है। ठीक है जी, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तब वर्किंग कैपिटल इंक्लूड नहीं करनी, बिकॉज वर्किंग कैपिटल के ऊपर कभी भी कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होती। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, अब अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, क्या कैलकुलेट करना है, अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास क्या आएंगी, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो यही कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। क्लियर? अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है जी। अब अर्निंग्स तो हर साल की सेम है, 65,000, 65,000, 65,000 और 65,000। क्लियर? लेस डेप्रिसिएशन। अब यहां पर डेप्रिसिएशन हर साल की डिफरेंट होगी, तो इसी पर्पस के लिए हमने, एक तो इस पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने, ठीक है, कितनी होगी 20,000, देन कितनी है 16,000 है,
राइट 12,800 एंड 10,240, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आई अब अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, सो दिस कम्स टू 45,000, 49,000, 52,200 एंड 54,760, क्लियर। कोई डाउट इसमें? अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गई, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं सर, टैक्स ही माइनस करना है। माइनस टैक्स कितना है? 30%, 13,500, 14,700, 15,660 और उसके बाद है 16,428। तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगी? एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, चलो जी कितनी आ रही है सर? 31,500, यहाँ पर आ रही है 34,300, 36,540 एंड 38,332, क्लियर। ये तो मेरे पास आई एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए एनुअल एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, मतलब हर साल की टोटल एवरेज करके। तो अब मेरे पास एनुअल एवरेज अर्निंग्स कितनी आएंगी? एनुअल एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितनी आएगी? सम टोटल ऑफ एनुअल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट प्लस 36,540 प्लस 38,332 डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द मशीनरी, लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दिस कम्स टू रुपीज 35,168, क्लियर है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है अब हमें? एवरेज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट किस चीज की कैलकुलेशन है? नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर इसमें भी डायरेक्टली कर लेते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू वर्किंग कैपिटल ऐड करके? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हर साल की डेप्रिसिएशन अलग है, हर साल का ओपनिंग अलग होगा, हर साल का क्लोजिंग अलग होगा, ठीक है। तो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, हर साल जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू डाउन आएगी अकॉर्डिंग टू WDV मेथड। SLM मेथड में नहीं आती वो डाउन, इस मेथड में वो डाउन आएगी, ठीक है। तो क्या होगा? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 100,000 की ओपनिंग थी प्लस 10,000 वर्किंग कैपिटल, 100,000 की ये थी प्लस 10,000 ये वर्किंग कैपिटल की हो गए, ठीक है। तो 110,000 माइनस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना था? 20,000, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना आया मेरे पास? क्लोजिंग आ गया 90,000। कोई डाउट? और मेरे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आई यहां पर? एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आई? इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको मैं बोल देता हूं 2, तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। कितनी आएगी सर? 100,000 की। अब ये जो क्लोजिंग था ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेस्टमेंट बनेगी 90,000। डेप्रिसिएशन कितनी थी? 16,000 की। क्लोजिंग कितना बचा? 74,000, राइट। और एवरेज कितनी आई मेरे पास? 82,000। अब ये यहां पर क्या बनेगा? ओपनिंग 74,000, डेप्रिसिएशन थी 12,800 की,
ठीक है, तो लेस करके मेरे पास बचा 61,200 और एवरेज मेरे पास आई 67,600। तो ये यहाँ पर आया 61,200, डेप्रिसिएशन आई 10,240, तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्या आई 50,960 और एवरेज मेरे पास क्या आई 56,080। क्लियर? अब यहां पर मैंने क्या किया है, हर साल की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाली है, अभी मैंने पूरे प्रोजेक्ट की नहीं निकाली, मैंने क्या किया हर साल की। क्यों? क्योंकि हर साल आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आता बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज्ड ऑन द WDV मेथड। ठीक है, चलो जी, अब आया एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब चार साल की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लो, 4 ईयर्स, क्या आएगी 1,00,000 डिवाइडेड बाय प्लस 82,000 प्लस 67,600 प्लस 56,080 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? सो दिस कम्स टू रुपीज 76,420। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, ARR निकाल लोगे। ARR क्या है कि अर्निंग्स कितनी थी, 35,168 डिवाइडेड बाय 76,420 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? सो दिस कम्स टू 46.02%। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ARR। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आना चाहिए और आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, फिर तो एवरेज इन्वेस्टमेंट सीधा ले लो। ठीक है, अगर WDV मेथड है फिर उसको टेबुलर फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा पहले, राइट? चलो जी, सो दिस वॉज द ARR मेथड। इसके साथ हमारा द फर्स्ट टेक्निक है वो हमारी फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द कैश फ्लो, एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, तो एनालिसिस किसका करेंगे, कैश फ्लो का एनालिसिस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन सेंड मी एन ईमेल @ksjteaching@gmail.com एंड फॉर द स्टडी मटीरियल फॉर एवरीथिंग यू कैन विजिट द वेबसाइट www.ksjteaching.org and connect with me on the Telegram app for all the updates on the Telegram app. Link I'll be providing in the video description. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.